श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय एक का आज हम श्लोक नंबर 26 समझेंगे। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनत पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब हम इस श्लोक के शब्द का एक एक हिंदी अर्थ देखते हैं। तत्र मैंने वहाँ, अपश्यत मैंने देखा, स्थितान मतलब खड़े, पार्था मतलब पार्थनी, पितरन मैंने पितरों मतलब चाचा ताऊ को, अथ मैंने भी, पितामहान मतलब पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भातृन मतलब भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को, तथा मतलब और, ससुरान मतलब ससुरों को, सुहदा मतलब शुभ चिंतकों को, च मतलब भी, एव मतलब निश्चय ही, सेनियों मतलब सेनाओं के, उभयों मतलब दोनों पक्षों की, और अपि मतलब सहित। हिंदी अनुवाद, अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देखा। वह अपने पिता के समकालीन भूरी श्रवा जैसे व्यक्तियों भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं दुर्योधन जैसे भाइयों लक्ष्मण जैसे पुत्रों अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय एक का श्लोक नंबर 27 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।